हेलो। हेलो। हाँ यस मैम। जी सर, नमस्ते सर। जी मैम नमस्ते, बताइए। क्या चल रहा है उन पैसे में? आज की यदि मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ी अपडेट ऑन पैसे की ये है कि जो 360 वेबिनार होता था हर वेडनेसडे को, अच्छा ठीक है, जी। ये मैम ये वेबिनार काफी टाइम से चल रहा था, तो हाँ आज जी। के अच्छा बाद ये वेबिनार नहीं होगा। ठीक है, थ्री जी सर, सिक्सटी वेबिनार को ऑन पैसिव ने टाटा बाय बाय बोल दिया है। ठीक है, 360 वेबिनार हो रहा था तब भी कोई फायदा नहीं था, और नहीं होएगा तो भी कोई नुकसान नहीं है। मैम आप क्या बोल रहे हो? 360 वेबिनार होता था तो भी कोई फायदा नहीं था, हाँ जी और नहीं हो रहा तो भी कोई नुकसान नहीं है। हाँ जी हाँ जी, मैम ये आपके लिए होंगी ये वाली चीजें, ये बाकी जितने बिल्कुल भी फाउंडिंग मुद्दे की मेंबर्स बात हैं करो इंक्लूड सर। मी। 360 वेबिनार तो खूब सुन लिए, बात मुद्दे की करो ना अब आप। नहीं मैम, जो अपडेट है, जो करंट सिनारियो है, वो करंट हाँ जी, सिनारियो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 360 वेबिनार नहीं होगा, मिस्टर एश ने बोला है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर मैम मुझे, तो देखो, ठीक ना ऑन हो तो पैसे की ठीक। जो अपडेट आती थी मैम, वो जो ऑन पैसे की अपडेट आती थी वो आसमान से तो टपकती नहीं थी, उसका हाँ जी कुछ ना कुछ तो जरिया होगा ना आप तक बताने का। ठीक है, हाँ जी। कुछ ना कुछ तो जरिया होगा, सोशल मीडिया के मैं तो जरिए सर आए। जब सर ऐस आते थे ना तभी 360 वेबिनार देखती थी, अदरवाइज तो मैं खुद ही नहीं देखती थी, तो मैम देखो, मेरे थ्री लिए सिक्स कोई ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है सर। हो रहा था तब भी कोई नुकसान नहीं था, नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं मैम देखो, ये आपके लिए होंगी ये सारी चीजें, बाकी देखो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि 360 है। वेबिनार अब नहीं होगा। ठीक है, आपको अच्छा जी। जो भी अपडेट मिलेगी, आपको पहले अपडेट कैसे मिलती थी, जब अपना ओईएस जब चालू था तब आपको ओईएस के जरिए अपडेट मिलती थी, उस समय भी थ्री हाँ सिक्सटी जी वेबिनार होता था। हाँ बट जी। 360 वेबिनार से क्या होता था मैम, एक मोटिवेशन लेवल जो है ना, एक मोटिवेशन फैक्टर है ना, वो फाउंडिंग मेंबर्स का हाई रहता था कि हाँ अच्छा यार जी। वेडनेसडे को मिस्टर ऐश उफारे के दर्शन। मोटिवेशन फैक्टर तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा सर, ट्रैफिक और इनकी बातें करो ना, मुद्दे की बात करो। मैम देखो, ऑटोमेटिक ट्रैफिक की यदि मैं बातें करना चाहूँ तो भी हाँ मैं जी क्या बातें करूँ आपसे, एक बात बताओ, ऑटोमेटिक ट्रैफिक को लेकर अभी कोई ऐसी कोई खास बड़ी अपडेट है ही नहीं मिस्टर एश की तरफ से। अभी तो देखो मेन जो बातें चल रही है ना, वो बातें हाँ जी। ये ही चल रही हैं कि मतलब एक बार मेन ओईएस मोटिवेशन तो तभी मिलेगा सर फाउंडर्स को। हाँ मेन, वो बात ठीक है आपकी, मेन मोटिवेशन तभी मिलेगा, पर मेन मुद्दे जी। वाली थ्री बात तो है कि ओईएस एक बार वापस लौट के आ जाए। ठीक है, सिक्सटी वेबिनार सुनते तो सर सालों हो गई, 3-4 साल हो गई खूब सुन लिया 360 वेबिनार, तब तो वो कुछ बात ठीक है ट्रैफिक मैम, आपको जो भी अपडेट मिलेगी, मेरे कहने का मतलब है कि अब 360 वेबिनार नहीं पैसा होगा, इनकम इन सब की बातें करो सर अब। इन सब की बातें मैम तब होगी जब उन पैसे लौट के वापस आ जाएगा, और इसके लिए कोई भी फाइनल डेट नहीं है। और मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, ऑन पैसे के प्लेटफॉर्म पर जो भी डेट होती है, ठीक है, हाँ जी वो टेंटेटिव होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बोल दिया तो इसी डेट को हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। ये आप अपने दिल में, दिमाग में, जहन में बिल्कुल मत लेके आना कि यदि मिस्टर ऐश ने भी बोल दिया, यदि किसी इंडियन लीडर ने भी बोल दिया कि इस वाली डेट हाँ को ये जी। चीज फाइनल हो जाएगी। ठीक है, रोड मैप कुछ ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ टेंटेटिव है, मतलब आज नहीं तो कल, ये वाली हाँ जी। सिचुएशन है यहाँ पे। जैसे आज नहीं हो रहा तो कल हो सकता है, कल नहीं हो रहा तो अब 10 दिन तो बाद सर हो ऑन सकता है। पैसे काफी दिनों से उस पे चल रहा था ना, कि अब तो किसी चीज की डेट देगा ही नहीं ऑन पैसे, होगा नहीं मैम, वो वाली बात जो। बोली थी, वो वाली बात भी बोली गई थी, अब कोई डेट नहीं हाँ जी मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ करके दिखाया जाएगा। ठीक हाँ है, जी तो फिर वापस से पर डेट का सिलसिला स्टार्ट हो गया था, वापस से वही नेक्स्ट वीक वाला सिलसिला स्टार्ट हो गया था। बट मैं अब तो आपसे सितंबर में तो सर बोल रहे थे कि इस मंथ के लास्ट तक सब कुछ वापस आ जाएगा, और उसके बाद तो जो होना है वो होगा, आगे की चीजें प्रोसेसिंग में रहेंगी। मैम वो वाली बात ठीक है आपकी, सारी बातें ठीक है। देखो आज 2 अक्टूबर है, ठीक है, हाँ जी। सितंबर आज 2 अक्टूबर है, खत्म हो चुका है। हाँ सितंबर खत्म हो चुका है, 2 अक्टूबर है, आप थोड़ा सा वेट करिए, इंतजार करिए। हाँ जी। अब आपको जो भी अपडेट मिलेगी वो आपके नए वाले इकोसिस्टम में, जो ऑन पैसिव ने जो अपना नया मजबूत इकोसिस्टम हाँ जो जी बना सर, के रेडी करा है। ठीक है मैम, आपके हिसाब से मतलब जैसे बताया गया है कि इस महीने के एंड तक यानी कि सितंबर के एंड तक सब कुछ वापस लौट के आ जाएगा, और उसके बाद ट्रैफिक ट्रैफिक का क्या सीन रहेगा सर आपके हिसाब से, कब किसका तक क्या क्या सीन मिल जाए रहेगा ट्रैफिक वगैरह, ऑटोमेटिक ट्रैफिक कब तक क्या मिल जाएगा सर? मैम? आपके तो बस एक ही रट लगी हुई है, वो है ऑटोमेटिक ट्रैफिक। सर मैंने तो पैसा इसीलिए लगाया है कि मुझे कुछ इनकम चाहिए। आपको ऑटोमेटिक ट्रैफिक की बात मैं आपको बताता हूँ, चाहिए तो देखो सर देखो सबको ये सर, पर मुझे तो बस। देखो देखो, ऑटोमेटिक ट्रैफिक की मैं एक बात बताता हूँ आपको, ऑटोमेटिक ट्रैफिक बताइए। जो है ना मैम, उसके लिए है ना आपको डायरेक्ट सीढ़ी नहीं चढ़ना, आपको जैसे 10 सीढ़ी है तो 10 की 10 सीढ़ी पे ऑटोमेटिक ट्रैफिक बैठा है, आपको स्टेप टू स्टेप जाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ ठीक है, जी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सीधे ही 10वीं सीढ़ी पे पहुंच जाओ आप, नॉट पॉसिबल, सर सीधे स्टेप टू दसवीं स्टेप। सीढ़ी आप को अभी कहाँ तक, पहुंचेंगे, अभी कितना तक टाइम ऑन दे दिया उन पैसों को अभी हमने? तक मैम ऑन पैसिव को अभी तक जो भी आपने टाइम दिया है ना,
उसका जो काउंटडाउन होगा ना वो स्टार्ट होगा जब अपना ओईएस लाइव आ जाएगा तब, ठीक है। आप पहली सीढ़ी पे अपना कदम रखोगे जिस दिन आपका ओईएस लाइव आ जाएगा। अभी तक जैसा भी ऑन पैसिव था वो शायद सही नहीं था, अब जो ऑन पैसिव लौट के वापस आएगा ना मैम, जैसा हाँ मिस्टर जी। एश ने बोला है, ठीक है, ये वाला ऑन पैसिव जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। और इसका जो जी पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो मिस्टर ऐश के हाथों में है, और ऑन पैसिव के जी पास जितने भी एम्प्लॉयज करंट की डेट में वो अच्छे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, मतलब वो सब बातें वादे और मुद्दे सब ऑन पैसे के नहीं है, अब जो पहले था वो कुछ भी नहीं नहीं है, नहीं सब नहीं कुछ नहीं है। वो सारी बातें मैम, मैं तो आपको यही बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग भूल रहे हैं उन बातों को जो पिछली पुरानी जो बातें थी, ठीक है। उनको एक भूल गए नए हो। सफर की शुरुआत ऑन पैसिव करने जा रहा है, और ये कब जी से करता है इसका अपने को वेट करना है। आज करता है, कल करता है, परसों करता है, जब भी ओईएस जब लौट के वापस आएगा, ठीक है। हाँ, मैं ये बात आपको वापस से क्लियर करना चाहता हूँ कि आप किसी भी डेट को मतलब ये मत सोचना कि ये फाइनल डेट है, ठीक है। और मैम मेरे हिसाब से जितना मैं सोचता हूँ शायद एक ऑन पैसिव का जो इकोसिस्टम है ये ऑन पैसिव इस तरीके से बना रहा है कि आपको सिर्फ सिंगल साइन इन करने की जरूरत है, आपको जगह जगह ऑन पैसिव के लिए साइन इन करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको जगह जगह लॉग इन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप अपना इकोसिस्टम को लॉग इन करो और वहां से जितने भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आपको वहां से मिल जाएगी। आपको ओ फाउंडर डॉट नेट की इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी वहां से मिल जाएगी, और इकोसिस्टम से रिलेटेड अपडेट भी वहां से मिल जाएगी, और आपके जितने भी टूल्स हैं ऑन पैसिव के जितने भी टूल्स है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी वहां से मिल जाएगी, आपका वॉलेट भी वहां पे रहेगा। मतलब एवरीथिंग जितनी भी चीजें ऑन पैसिव से रिलेटेड है वो हाँ सारी की जी सारी चीजें ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलेगी, मिल ठीक है। गया। और ये सारी की सारी जो भी अपडेट्स आएंगे ना मैम, जितने भी वेबिनार होंगे, अभी ऑन पैसिव का एक कॉर्पोरेट वेबिनार और होने वाला है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे ही अपना ओईएस लाइव आएगा या उससे पहले मिस्टर ऐश मुफारे के साथ कॉर्पोरेट वेबिनार होगा, उस वेबिनार में कंफर्म कर दिया जाएगा कि ऑन हाँ जी पैसिव लौट के वापस आ रहा है, या लौट के वापस यदि आ चुका है, यदि उसके बाद होता है तो भी कहीं ना हाँ कहीं अपने को ट्यूटोरियल बताया जाएगा, चीजों को समझाया जाएगा कि किस तरीके से यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे, किस तरीके से पैकेज को सब्सक्राइब करना है, करना ठीक ठीक है मैम। तो ओवरऑल ओके। ये तमाम तरीके की बातें हैं कि एक तो अपना ऑन पैसिव का 360 वेबिनार अब नहीं होगा, जो करंट जो बड़ी अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो भी अपडेट आएगी वो ओईएस के प्लेटफॉर्म पर जो भी अपडेट आएगी वो उस पे आएगी जैसे पहले आती थी। अब सब कुछ आपके पास रिटर्न में होगा, वर्बली कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं आप। वहाँ का जो हाँ अपडेट बिल्कुल। सेक्शन है वहाँ पे सब कुछ रिटर्न में आएगा आपके पास, और उसके नीचे सोर्स भी लिखा होगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन आई है ये किसकी तरफ से आई है। यदि मिस्टर ऐश की तरफ से आई है तो मिस्टर ऐश लिखा होगा वहाँ पे, टेक्निकल टीम की तरफ से आई है तो टेक्निकल टीम लिखा रहेगा, या किसी इंडियन लीडर ने यदि ऑन पैसिव के इकोसिस्टम पे अपनी तरफ से पोस्ट कुछ किया है तो वो पोस्ट पे उसका नाम दिखाई देगा, ठीक है मैम। ओके। तो हाँ आप जी इंतजार करिए, बाकी जिस चीज की आप इंतजार में बैठे हैं ऑटोमेटिक ट्राफिक, आप अकेले नहीं है इस दौड़ वो में, इस सबको चाहिए सर, सबको चाहिए। हाँ मैं नहीं कह रही, मुझे चाहिए, हाँ सबको चाहिए। हाँ इस दौड़ में सभी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, सबके सब फाउंडिंग मेंबर्स की एक ही आशा और एक ही उम्मीद है इस ईयर के एंड तक भी मिलेगा नहीं मिलेगा सर? मैम। आपका तो फाइनल है ना, आपकी डेडलाइन फाइनल है कि मैं आपको मेरी तीस तो इकतीस फाइनल है सर, सितंबर मैं तो इकतीस छोड़ के दिसंबर चल तक जाऊंगी आपको ऑन वेट करना पैसिव है, को। क्या कह रहे हो? बोल, मैं तो छोड़ दूंगी इस ईयर के एंड में ऑन हाँ पैसिव मैम, को। आपका पैसा तो लगा है, आप छोड़ कैसे दोगे, यहाँ पे कोई रिफंड पॉलिसी थोड़ी ना है फिलहाल। रिफंड पॉलिसी नहीं है पर सर वही है कि बस देखो काम मैम, यही है कि यदि जो आप लग ऑन गया वो पैसिव लग यदि गया। आप एनपीएससी को छोड़ के चले भी जाते हो तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। आप ये मत सोचना कि आपको कोई रोकेगा, आप इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप छोड़ के जाते हो, ठीक है, तो एक दिन ऐसा आएगा खत्म है मैम, सर मेरी बात सुनो इस पहले, आप ईयर मेरी के बात एंड सुनो, तक। आप मेरी बात सुनो पहले, आप हाँ बोल रहे हो जी ना मैं ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म को छोड़ के चले जाऊंगी यदि 31 दिसंबर 2024 तक कुछ नहीं होता है, हाँ, ठीक है मैम। मेरी डेडलाइन यही है ये सर। को देखो, आप यदि ऑन पैसिव चलाना मैम, ठीक है, तो हाँ आप इस प्लेटफॉर्म पर अपने आप वापस भी आओगे, अच्छा ये समझ रहे हो आप मेरी बातों को। हाँ बिल्कुल। आपके छोड़ के जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट यदि ऑन पैसिव ने तरक्की करी, ऑन पैसिव ने प्रोग्रेस किया और इसके साथ में यूजर्स बने, तो हाँ मैम जी आप ऑटोमेटिक इस प्लेटफॉर्म पर वापस आओगे, और वापस आने के बाद आप बोलोगे कि कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे से छूट गई है, मैं ऑन पैसिव को इतने दिनों से मैंने क्रिएट कर दिया था, ठीक है मैम। तो अब वो मतलब टाइम आ चुका है मेरे हिसाब से कि आपको ऑन आपको पैसिव इतना ट्रस्ट है। मैम, मुझे तो देखो ट्रस्ट है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव में, मैं आपको बिल्कुल खुले दिमाग से बताना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव से एक बात की वजह से मुझे वो रहता है हमेशा कि किस ऑन बात की पैसिव वजह से सर? डेट जो देता है ना उस डेट पे खरा नहीं उतरता, बस सिर्फ इस बात से। हाँ बाकी मुझे प्लेटफॉर्म पर विश्वास है, ऑर्गेनाइजेशन पर विश्वास है, मिस्टर ऐश पर विश्वास है, एवरीबडी, जी हर कोई बंदा जो ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा है हर किसी पर विश्वास है मुझे, बस सिर्फ डेट देने की वजह से। उस डेट पे यदि कुछ नहीं होता है ना तो हाँ कहीं जी ना कहीं मनोबल टूटता है, और वो मेरा ही नहीं
मोस्टली सभी लोगों का सबका मनोबल टूटता है टूटता है। जी। बस ये बात मुझे उन पैसे में थोड़ी सी गले नहीं उतरती है, ठीक है। बाकी सब ओके कुछ एवरीथिंग मुझे सब कुछ अच्छा लगता है इस प्लेटफॉर्म पर। बट बाकी आप ओके वेट करिए, ऑटोमेटिक ट्रैफिक कब आता है कब नहीं आता है इसके लिए कोई फाइनल अपडेट नहीं है, ठीक है। जी जी सबसे पहले इंतजार करते हैं कि अपना ओईएस वापस लौट के आ जाए, ठीक ठीक है मैम। है सर, ओके सर। ठीक है मैम, ओके।